आइए तो आज हम समझते हैं गुणनखंडन किसे कहते हैं। देखिए गुणनखंडन मतलब फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी टर्म को फैक्टर करके दो भाग में बांटना या उसको सॉर्ट करना। तो सबसे पहले जब भी आपका फैक्टर रहेगा तो आपको इस रूप में रहेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे साइन जो है वो साइन आप चाहे तो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्लस में, फिर एक क्वेश्चन लेंगे माइनस में और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2x² है और यहाँ पे देखते हैं 2l है। तो इस बीच के टर्म को तोड़कर हमको दो भाग में बांटना है। बस तोड़ने के बाद उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। तो कंडीशन के लिए रूल क्या है कि देखिए आप जो फर्स्ट में है 2x², आप यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे कर देंगे रफ। रफ में यूज करेंगे तो 2x² यहाँ इंटू करेंगे 2x² इंटू लास्ट में क्या है 12। और आप देखेंगे कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसलिए प्लस में लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या जाता है 24x². अब इस 24 जो आया इसे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3, यानी 2, 2, 2 एंड 3। इन सब को यूज करके दो भाग में ऐसा नंबर निकालना है जिसे ऐड करने पे ये आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी भी तरीका से ये आ जाए, और इंटू करने के बाद ये दोनों जो इंटू करने के बाद आया हमारा वो आ जाए 24x² साइन के साथ। तो हम इसमें अब यूज क्या करेंगे, तो आप देखिए कि 2 × 2 = 4, 4 और 2 = 6, अगर 4 और 6 यानी 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। अब कंडीशन ये है कि दोनों को प्लस में लेना है क्योंकि प्लस प्लस ऐड करने के बाद ही 10 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आप देखें कि 2x² ये वैसे रहेगा, यहाँ पे पहले 4 या 6 किसी को भी लिख सकते हैं जिसे आप लिखना है। तो 4x + 6x, इस 10 को हम दो भाग में बांटे तो आप देख सकते हैं कि 4 और 6 मिलकर 10 हो जाता है। उसके बाद सामने क्या है 12 का 12 = 0, 0। अब इन दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो 4 × 6 = 24, x × x² और ये प्लस 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 ही रहेगा साइन में। जब इस टर्म से हो जाए तो हमें फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेने की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में अधिक से अधिक वो संख्या को बाहर निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 4 है, तो 2 हम दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, प्लस इसमें x^2 है, इसमें 1x है, तो हम 1x दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। अब इससे निकालने के बाद इसमें बचता क्या है, तो 2x² में से 2x निकल गया तो इसमें क्या बच रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 2x निकल चुका है तो सिर्फ x बच गया, प्लस इसमें से x निकल चुका है, 2 निकल चुका है तो 2 बचा। अब एक कंडीशन आता है कि जो यहाँ पे हमारे ब्रेकर के अंदर आया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर सही है। तो आप देखें कि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस है और 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, तो हम 6 दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच जाता है एक्स प्लस 6 × 2 = 12, यानी 2 यहाँ भी बच गया। आप देखेंगे कि दोनों के अंदर x + 2 सेम आया है। इन केस अगर कभी सेम नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप में ऊपर में मिस्टेक हुआ है, आप उसे चेक कर लें। ये हर कंडीशन में सेम आएगा, चाहे माइनस का क्वेश्चन हो या प्लस में क्वेश्चन हो। अब इस टाइप से क्वेश्चन आने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार ये जो बाहर है ये हमारा 2x और ये प्लस 6 = 0 लिख सकते हैं, और एक बार यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंदर वाला दोनों में से कोई भी x + 2 = 0। आप चाहें तो यहीं पे इसको ब्रैकेट देके सॉर्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन ये 2 आंसर हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या किया जाता है, यहीं तक आंसर गुणनखंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको x का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो x का वैल्यू भी आप इसी टर्म को आगे करके निकाल सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे 2x यहीं पे रह जाता है और ये 6 इधर चला जाएगा तो -6। x को अगर हम यहीं रखते हैं तो -6, ये 2 नीचे आ जाएगा 2। इसको अगर हम काट देते हैं तो 2 × 2 = 6, यानी -3। इस साइड में अगर हम सॉल्व करते हैं तो x यहीं रखते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो ये -2। देन अगर हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया है वो आया है -3 एंड -2, ये हमारा आंसर हो सकता है अगर x का वैल्यू निकाल जाए। अगर सिर्फ गुणनखंडन एंड फैक्टराइजेशन करना बोले तो हम बस ये कॉमा देके लिख देंगे और वो भी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सवाल। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, एक माइनस में सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आइए तो अब हम आए अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आप देखिए हमने एक जगह माइनस यूज किया है, अब की बार तीसरा क्वेश्चन जो लेंगे उसमें हम दोनों जगह माइनस लेके बनाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सेम प्रोसेस है ये, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वही काम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि 6x² इंटू लास्ट में क्या है -6 इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारा -36x². इस एवज में हम क्या करते हैं, इस 36 को एलसीएम लेंगे। 36 का एलसीएम लेने से आप देख सकते हैं 2 से 18, फिर 2 से लेंगे 9, फिर 3 से और फिर 3, यानी 2, 2, 3, 3, ये 4 ऑप्शन हमारे पास आया है। अब हमें इसे दो भाग में बांटना है तो हमको लाना क्या है 5 लाना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, अगर हम 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 बच जाता है, यानी बड़ा वाला हमारा जो 9 है वो देखें कि जो बड़ा होता है साइन हमेशा उसी पड़ता है, तो साइन इसका जो है वो प्लस में है।
तो हम 9 को पहले लेंगे प्लस में, तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेना है तो हम यहाँ पे पहले 9 को लिखेंगे 9x, उसके बाद करेंगे -4x। अगर 9 में से 4x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x बचा और प्लस में बचेगा, -6 का -6 बराबर 0 का 0। अब इससे हम ट्राई कर सकते हैं कि दोनों को इंटू करके क्या ये -36x² आ रहा है, तो आप देखें कि प्लस और माइनस इंटू करेंगे तो माइनस 9 × 4 = 36x × x² यानी ये आ गया, ये सही है। आप चेक करने के लिए ये सब काम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा जो प्रोसेस उसमें किए हैं हम वो इसमें भी करेंगे। आप देखें 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, 1x बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 3 निकाल ली है तो बनेगा 3 × 2 = 6 यानी 2 बच गया। 1x निकाल चुके हैं तो 1x बच चुका है। सेम काम इससे भी निकालेंगे, 9 में से 3 निकाल ली है तो 3 बच गया। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है हमेशा, यानी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद x निकाल लिए हैं, अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी हम कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस इसमें है, प्लस इसमें 4 है और इसमें 6 है, तो 2 दोनों में है तो हम 2 दोनों से निकाल सकते हैं। x इसमें इसमें नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो अब इसके पास क्या बचता है, माइनस निकल चुका है तो 4 में से 2 निकला, 2 बच गया। यहाँ x है, x लिख दिए, माइनस निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 6 में से 2 निकल जाएगा तो 3 ब्रैकेट दे दिए बराबर 0 0। आप देखें यहाँ पे भी हमेशा सेम आया है 2x + 3, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया, इसमें वही है। तीसरा क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे और उसमें भी देखिएगा सेम आएगा। तो एक बार बाहर वाला लिखेंगे 3x - 2 और एक बार अंदर वाला लिखेंगे 2x + 3। आप चाहे तो बराबर 0 देके आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बस ये दोनों लिख के आप कॉमा देके लिख देंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। बट हम आगे भी इसमें कर देते हैं, अगर आप आगे किसी क्वेश्चन में सॉल्व किया तो बोला जाए, ऐसे फैक्टराइजेशन करने बोले तो सिर्फ हम ये और ये लिख के छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एक्स का मान बोला जाता है तो हम एक्स का मान भी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 3x, ये प्लस सीधा जाएगा तो माइनस, माइनस सीधा जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है। अब की बार क्या हो जाएगा, एक्स हमारा यही रह जाएगा तो 2/3। इसमें भी वही काम करेंगे हम, 2x यही रखेंगे, ये प्लस सीधा जाएगा तो -3, x = -3 और ये 2 नीचे आ जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x का मान हमारा आया है 2/3 और दूसरा आया है -3/2, ये हमारा आंसर है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस लेके देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। तो आइए अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ भी माइनस यूज किया है, यहाँ भी माइनस यूज किया है, नहीं पूरा तीनों टाइप के क्वेश्चन बना के हम दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें भी हम रूल्स वही फॉलो करेंगे जो हमने पीछे बनाया है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3x² इंटू करेंगे -4 से, तो हमारा जो आ रहा है 3 × 12x² और ये माइनस में, तो हम इस 12 को एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब ऐसा आ गया हमारे पास क्या है, हालांकि 1 नहीं मिलेंगे तो चलेगा, तो मेरे पास क्या आता है 2 2 3। 1 जो होता है वो हर एलसीएम लिया जाता है, लेकिन कभी इसका यूज होता है कभी नहीं, तो 1 हम यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास इसको क्या है, तोड़ के लाना है हमको, क्या इसको यूज करके हमको लाना है 1x। तो हम देखेंगे कि 2 × 4 उसमें से अगर हम 3x हटा दें तो बचेगा 1, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट में है 3x², इसके बाद इसके जगह पे लिखेंगे -4x + 3x और ये -4 का -4 = 0। अब यहाँ पे बड़ा को माइनस में क्यों लिखें, तो देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो माइनस में रखना चाहिए, तो इसलिए बड़ा को माइनस में रखेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस में आंसर आए। साथ ही साथ 4 में से अगर 3 चला जाए तो 1 बचेगा और बड़ा का पहले साइन में माइनस माइनस आ गया। अब इन दोनों को इंटू करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, तो माइनस और प्लस माइनस, 4 × 3 = 12x × x² यानी ये सही है। इस स्टेप से आने के बाद हम चाहें तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और सेकंड 2 में कॉमन लेंगे, जो कुछ निकलेगा वो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे, जितना निकलता है निकालेंगे। तो इसमें क्या है, x देख रहे हैं नंबर कुछ नहीं है लेकिन x निकल जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बचता है 3x और इसमें से x निकल गया है तो बचा 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं निकल रहा है, तो ये प्लस का प्लस है, साइन को हम कुछ नहीं निकलता है तो 1 लिख देते हैं, 1 निकालेंगे किसी भी चीज से तो सेम ही बचेगा, ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखें कि अंदर हमेशा सेम आया है, अभी भी सेम आया है, हम यहाँ वही प्रोसेस यूज करेंगे, x + 1 ये हमारा पहला है और दूसरा इधर हो चुका है 3x - 4 = 0। आप चाहे तो ये पहला और दूसरा बोल के लिख सकते हैं, लेकिन अगर x निकालना है तो आगे का प्रोसेस भी हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि x = ये प्लस सीधा जाएगा तो -1, यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे तो 3x = - सीधा जाएगा तो 4। नाउ x = 4/3, अगर वैल्यू बोला जाए तो x का वैल्यू हमारा 1 और 4/3, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप के लिए जैसे अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन बोला जाए
या गुणनखंडन बोला जाए। इंग्लिश मीडियम है तो फैक्टराइजेशन बोला जाएगा, हिंदी मीडियम है तो गुणनखंडन बोला जाएगा। सवाल वही है, सोल्यूशन वही है, प्रोसेस वही है, आपको यहाँ तक ये लाके लिख के छोड़ देना है, आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू निकालने के बोला जाए तो हम इस प्रोसेस को आगे करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके चलेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो इसमें तो आप कॉमेंट करके देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को सोल्व करके दिखाएंगे। इस टाइप के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, सबके पास जानकारी मिलना चाहिए।